అస్సలాము అలైకుమ్ ఆదాబ్, వెల్కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ 27। ప్యారే దోస్తో, జహాన్ కా ఖూబ్సూరత్ నజారా ఆప్ దేఖ్ సక్తే హై। బడీ ఖూబ్సూరత్ పార్క్ హై యే, యహాన్ సే భీ ఇస్కా నజారా ఆప్ దేఖ్ సక్తే హై। और खूबसूरत कौन सी चीज़ इधर लगती है ज़्यादा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नहीं है, वो हमारे तहसील छात्रों में है। आइए चलते हैं, वो खूबसूरत चीज़ भी आप देख ले। ओहो, क्या लुक है। मशरूम टेंट भी लगा है यहाँ पर नाइट स्टे के लिए, जो भी यहाँ पर आना चाहता है वो आ सकता है, यहाँ पर नाइट स्टे कर सकता है। ओहो, थोड़ा मैं करीब जाकर दिखाऊंगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा। बहुत अच्छी जगह है, जो भी यहाँ पर आना चाहता है आ सकता है, यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकता है। खूबसूरत जगह है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से लोग इधर आते हैं, बड़े टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओहो, क्या बात है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह सारा पानी जमा होता है, और निकलता कहाँ से है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, हिमालयन व्लॉगर मेरा फेवरेट व्लॉगर है, द उमर मेरा फेवरेट व्लॉगर है, रईस महदीन मेरा जो फनी वीडियो बनाता है, अक्सर वो जोक करता है, उसकी भी बात मुझे अच्छी लगती है। कभी इंसान कोई भी कुछ बोले, मत देखो इन बातों को, मत देखो, आगे बढ़ो, बस आप ये देखो कि मंजिल मुझे कहाँ मिलेगी। तो यहाँ से भी आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ओहो, दोस्तों, कल मैंने जो हिमालयन व्लॉगर की एक वीडियो देखी, हालांकि जो हिमालयन व्लॉगर है उसका मैं पहले से फैन हूँ, उसकी भी पहले वीडियो देखता था, तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, जब से मैं उसकी वीडियो देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। तो कल उसने जो एक मैंने वीडियो देखी, वीडियो में उसने एक जो बात बोली, यूट्यूबर को चाहे कि वो इकट्ठा काम करे, साथ मिलजुल कर काम करे, तो बिल्कुल सही बात है। यूट्यूबर को मिलजुल कर काम करना चाहे, बहुत अच्छा लगता है, मेहनत भी करनी चाहे। अगर बंदा मेहनत नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगा। यहाँ से भी आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, और मैं हर एक को दावत देता हूँ, यहाँ पर आए, यहाँ पर व्लॉगिंग करें। खासकर बाहर से जो व्लॉगर है उनके लिए, हम तो यहाँ पर व्लॉगिंग करते हैं, यहाँ का ये दिखाते हैं, इस पार्क को दिखाते हैं। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बाहर के जो व्लॉगर आएंगे, उनको अच्छे व्यूज़ भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ से भी खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ओहो, तो दोस्तों, व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि व्लॉगिंग हम करेंगे, इसमें मेहनत भी लगती है। अब बंदा अगर हिम्मत हारेगा फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये सीधी सी बात है। हालांकि मैं अगर वीडियो देखता हूँ, हिमालयन व्लॉगर की मैं वीडियो देखता हूँ, उसके अलावा एक व्लॉगर है द उमर, उसकी भी व्लॉगिंग मैं देखता हूँ। दो व्लॉगर मेरे, तो मैं इनका फैन हूँ, द उमर और उसके अलावा हिमालयन व्लॉगर। और उसके अलावा मैं जो फनी वीडियो जो बनाते हैं ये रईस महदीन, उसकी भी बात मुझे अच्छी लगती है कि अगर कोई भी बंदा किसी को बोलेगा आपको ये चीज़ नहीं करनी आती है, तो बंदा फौरन गिर जाता है। अगर कोई बोले भी कुछ, लोगों को बोलने दो, जो कुछ बोले उस बात को मत देखो, ये देखो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मंजिल मुझे कहाँ मिलेगी। जब तक बंदा मेहनत नहीं करेगा, अगर वो कोई बात बोलेगा उस पर वो अटक जाएगा उधर, तो फिर कहाँ आगे बढ़ पाएगा वो बंदा। तो चाहे इंसान को वो भी खुद मेहनत करे, फिर यूट्यूबर से भी मिले, तो जब यूट्यूबर से मिलेगा उससे भी उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन खुद भी मेहनत करनी चाहे। खासकर अगर बंदा खुद मेहनत नहीं करेगा, सारा जो फेमस यूट्यूबर से उससे मिलेगा, तो कुछ उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन खुद भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि हम व्लॉग बनाएंगे। हर दिन सोचना पड़ता है कि आज मैं किस टॉपिक पर कौन सा व्लॉग बनाऊं। यहाँ से भी इस पार्क का आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ओहो दोस्तों, बोलना बहुत कुछ था लेकिन थोड़ा सा ये व्लॉग लंबा हो गया है, तो मेहनत करो, मेहनत का फल अल्लाह ताला एक न एक दिन देगा। फिर यूट्यूबर से भी मिलो, आपको अल्लाह ताला मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।